चलिए बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको काव्य हेतु। क्या पढ़ाएंगे? काव्य हेतु। आज का जो टॉपिक है भैया वो है काव्य हेतु। आज का टॉपिक क्या है? काव्य हेतु। इसके पहले आपने काव्य लक्षण पढ़ा, काव्य प्रयोजन पढ़ा, और आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे काव्य हेतु। जिस प्रकार काव्य प्रयोजन का अर्थ आपने बताया कि काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है काव्य उद्देश्य, उसी प्रकार काव्य हेतु का भी हेतु मीन्स होता है। देखिए आप देखते जाइए, हेतु हेतु मीन्स होता है हेतु मीन्स होता है कारण। हेतु मीन्स क्या होता है? कारण। हेतु मीन्स कारण होता है। तो जब आप कह सकते हैं आगे कि जब और काव्य हेतु मीन्स होता है काव्य की उत्पत्ति का कारण। सीधी बात, हेतु मीन्स आपने देखा कि हेतु मीन्स क्या होता है? कारण। और काव्य हेतु, यहीं पर हम क्या कह देते हैं? काव्य हेतु। तो काव्य हेतु मीन्स क्या होता है? काव्य हेतु। काव्य हेतु मीन्स क्या होता है बच्चों? तो काव्य की उत्पत्ति के कारण, काव्य की उत्पत्ति के कारण, के कारण, काव्य की उत्पत्ति के कारण। आइए आगे देखते हैं हम। कभी देखिए जो कवि होता है, कवि कवि कर्म का प्रतिफल, प्रतिफल कवि कर्म का प्रतिफल काव्य होता है। क्या होता है? काव्य, काव्य होता है। कवि कर्म का प्रतिफल काव्य होता है। और काव्य का प्रतिफल क्या होता है? काव्य होता है। और काव्य का मूल, काव्य का मूल क्या होता है? हेतु होता है। काव्य का मूल क्या होता है? हेतु। हेतु मीन्स कारण, कारण यानी कारण। काव्य का मूल हेतु होता है, ये हेतु है, हेतु। और हेतु मीन्स कारण, हेतु होता है यानी, यानी हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि काव्य की रचना के, हम कह सकते हैं कि काव्य की रचना किसी ना किसी, किसी ना किसी कारण से ही होता है, कारण से ही होता है, ही होता है। यानी सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि हेतु मीन्स कारण होता है, और काव्य हेतु यानी काव्य की उत्पत्ति के कारण। काव्य कर्म का प्रतिफल काव्य होता है, यानी जो कवि होता है उसका कर्म क्या है? उसका फल जो काव्य की रचना करना। और काव्य का जो मूल होता है यानी काव्य की रचना करना, ये कवि का कर्म है। लेकिन काव्य किस पर लिखा जाए? कारण कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ये कारण है उसका मूल। यानी हम कह सकते हैं कि काव्य की रचना किसी न किसी कारण से ही होता है। और आगे चलते हैं, काव्य हेतु के नाम से जाने जाते हैं उसी को हम कहते हैं। अब देखते हैं काव्य के प्रकार, ठीक है, काव्य हेतु के प्रकार कितना माना गया है, ठीक है। तो काव्य के जो हेतु है, आचार्य संस्कृत आचार्यों के अनुसार, किसके? संस्कृत, संस्कृत आचार्यों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार। सबने अलग अलग माना है, लेकिन संस्कृत आचार्यों ने क्या माना है? संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य के मुख्य रूप से, काव्य के तीन हेतु होते हैं। तीन हेतु यानी कारण होते हैं, यानी काव्य लिखने के संस्कृत आचार्यों के अनुसार तीन हेतु, तीन कितने? तीन हेतु या कारण होते हैं, कारण होते हैं। कितने होते हैं? तीन हेतु या कारण होते हैं। नंबर एक, और ये देखते हैं हम लोग, नंबर एक, नंबर सबसे पहले है प्रतिभा, प्रतिभा। नंबर दो व्युत्पत्ति, प्रतिभा व्युत्पत्ति। और तीसरा है अभ्यास, प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये किस कितने कारण है पूछा जा सकता है कि काव्य के हेतु कितने हैं? कारण आप पूछ के डायरेक्ट कह दिए कि काव्य के कितने हेतु हैं, तो तीन है। या फिर कारण पूछ लेते हैं कि काव्य के कितने कारण हैं, तो तीन है। कि कौन कौन से? प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अभ्यास है, अभ्यास
अब एक एक को हम लोग देते हैं कि क्या है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कारण जाना आपने की हेतु, हेतु निज कारण होता है और काव्य काव्य का हेतु हेतु है और कवि कर्म का भी कर्म कवि का कर्म काव्य है और काव्य हेतु काव्य की उत्पत्ति का कारण है। आइए देखते हैं काव्य के तीन भेद हैं। आपने देखा प्रतिभा प्रतिभा युगपत और अभ्यास। अब आइए हम देखते हैं अग्नि पुराण में सर्वप्रथम कितने हेतु माने गए। कहाँ अग्नि पुराण में, अग्नि पुराण पुराण में अग्नि पुराण क्या कह रहा है। अग्नि पुराण में देखते हैं इसके अनुसार कि अग्नि पुराण में क्या कहा गया है। अब अग्नि पुराण भी तीन माना है। अग्नि पुराण इसके अनुसार भी काव्य के इसके अनुसार भी काव्य के तीन भेद हैं। काव्य के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं, लेकिन ये अपने अनुसार बता रहा है कौन कौन से, आइए हम लोग देखते हैं। तो इसके अनुसार जो पहला भेद है आपका वो प्रतिभा ही है। नंबर एक इन्होंने बताया प्रतिभा। नंबर दो वेद ज्ञान, वेद ज्ञान। और नंबर तीन इन्होंने लोक व्यवहार बताया। प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार, प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार को इन्होंने बताया। आइए देखते हैं। अब इन्होंने एक श्लोक दिया है इसी के संबंध में। नरत्वम दुर्लभम इन्होंने कहा, नरोत्तम दुर्लभम लोकम, नरत्वम नरत्वम दुर्लभम दुर्लभम नरत्वम दुर्लभम लोके नरत्वम दुर्लभम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभम विद्या विद्या तत्र सुदुर्लभम। सुदुर्लभम आगे लोग ने कहा कवित्वम दुर्लभम तत्र कवित्वम दुर्लभम तत्व तत्र आगे कहा इन्होंने सत्य शास्त्र दुर्लभम शक्ति शास्त्र दुर्लभम शक्ति शास्त्र दुर्लभम देखिए अग्निशास्त्र क्या मांगता है। अग्निशास्त्र इसके अनुसार भी काव्य के कितने तीन भेद माने गए, कौन कौन से, प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। अब संस्कृत आचार्यों ने क्या माना था, प्रतिभा माना था संस्कृत आचार्यों के अनुसार। प्रतिभा प्रतिभा हो गया था। दूसरा हो गया व्युत्पत्ति। दूसरा क्या, व्युत्पत्ति। और तीसरा क्या माना, अभ्यास। तीसरा अभ्यास, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास किसने माना था, संस्कृत आचार्यों ने माना। लेकिन ये किसके अनुसार था बच्चों, ये संस्कृत आचार्यों के अनुसार, संस्कृत आचार्यों ने माना। लेकिन यही पर अग्नि पुराण क्या मान रहा है, तीन को, प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। और उसी संबंध में ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ इन्होंने कहा कि नरत्वम दुर्लभम लोके, लोके में से संसार में नरत्वम में ही माना होता दुर्लभ है। विद्या तत्र सा दुर्लभ और उसमें विद्या तत्र और तत्र उसमें विद्या अत्यंत दुर्लभ है। कवित्वम दुर्लभम तत्र और उसमें विद्या यानी ज्ञान होना। देखिए कहा ना कि लोके दुर्लभ, देखिए उल्टा कर दीजिए, लोके नरत्वम दुर्लभम यानी संसार में नरत्वम यानी मानव था अत्यंत दुर्लभ है, मानव दुर्लभ है। और विद्या तत्र सुदुर्लभ और विद्या तो और भी दुर्लभ है, विद्वान व्यक्ति तो और भी दुर्लभ है। कवित्वम दुर्लभम तत्र और तत्र उसमें कविता कवि तो उसमें कवि और कवि भी कवि तो और दुर्लभ है यानी विद्या है, विद्वान व्यक्ति मिलेंगे लेकिन कवि बहुत कम मिलेंगे। शक्ति शास्त्र दुर्लभ है और उसमें शक्ति शास्त्र यानी शक्ति साहित्य को कविता को रचना करने वाले को यानी कवि भी मिल जाएंगे लेकिन रचना करने वाले तो बहुत ही दुर्लभ है। किसमें कहा गया, अग्नि पुराण में कहा गया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप साइड में,
के काव्य के हेतु है, आप लिखते चलिएगा कि संस्कृत आचार्यों के अनुसार प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास बताया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा ही जाएगा उसके। और फिर बताया गया अग्नि पुराण के अनुसार भी तीन माना गया है, लेकिन ये अलग माना है, प्रतिभा को वेद ज्ञान को और लोक व्यवहार को, प्रतिभा वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। और इन्होंने उसी के संबंध में दिया कि नरत्तम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभम, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिशास्त्र दुर्लभम, शक्तिशास्त्र दुर्लभम। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आपका है किसके अनुसार, आचार्य भामा के अनुसार, किसके अनुसार, आचार्य भामा, आचार्य भामा, आचार्य भामा की कौन सी रचना है बताइए आपको, काव्य अलंकार, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद करते चलिए, काव्य अलंकार, काव्य अलंकार, आचार्य भामा की रचना काव्य अलंकार है। और उसमें इन्होंने क्या कहा सुनिए, इन्होंने कहा कि गुरु के उपदेश से, क्या कहा, गुरु के उपदेश से, गुरु के उपदेश से, उपदेश से, गुरु के उपदेश से एक अज्ञानी व्यक्ति भी, एक अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञानवान हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, हो जाता है, एक अज्ञानी व्यक्ति भी गुरु के उपदेश से क्या हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, लेकिन ज्ञानवान हो जाता है यानी शास्त्र का अध्ययन करने लगता है, यानी यानी शास्त्र का अध्ययन करने लगता है, अध्ययन अध्ययन करने लगता है, करने लगता है, लेकिन अब देखिए, लेकिन काव्य रचना, अब यहां देखिए क्या कह रहा है, लेकिन काव्य रचना, लेकिन काव्य रचना, लेकिन काव्य रचना प्रतिभाशाली व्यक्ति ही करते हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर पाते हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर पाते हैं, व्यक्ति ही कर पाते हैं। किसने कहा, आचार्य भामा ने कहा, किसमें कहा, काव्य अलंकार में कहा, किसमें कहा, काव्य अलंकार, आचार्य भामा की जो रचना है इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रचना किसकी है, आचार्य भामा की, याद करते चलिए। इन्होंने कहा गुरु के उपदेश से एक अज्ञानी व्यक्ति, देखिए ये ना है, एक अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, यानी 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 वेद का, यहां कह सकते हैं वेद का अध्ययन करने लगता है, शास्त्र का अध्ययन करने लगता है, लेकिन काव्य रचना प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर पाते हैं। किसने कहा, आचार्य भामा ने। और इन्होंने कहा गुरु देशात हेतु, कहा गुरु देशात, गुरु देशात ध्येयम, ध्येयम गुरु देशात ध्येयम शास्त्रम जड़धि ममो अपलम, शास्त्रम शास्त्रम जड़धि जड़धि ममो, जड़धि ममो अप लवम, जड़धि ममो अपलवम, किसने कहा, आचार्य भामा ने कहा, काव्य हेतु जायते, काव्य हेतु जायते जातु, काव्य काव्य हेतु, हेतु मीन्स कारण, आप जाने जायते, काव्य हेतु जायते जातु, जायते जातु, आगे कहा कश्चिद प्रतिभावान, कश्चिद कश्चिद प्रतिभावान, प्रतिभावान, इन्होंने कहा कि कोई प्रतिभावान व्यक्ति ही काव्य हेतु, यानी काव्य काव्य की रचना कारण के आधार पर जायते, कारण उत्पन्न होने पर करता है, गुरु उपदेशात हेतु शास्त्रम जड़धि ममो अप्लवम, इन्होंने भी यही कहा, किसने, आचार्य भामा ने वही शब्द कहा जो वहां अर्थ है उसी को पंक्तियों में कह दिया कि गुरु उपदेश है तो कोई भी व्यक्ति क्या होता है, जड़ बुद्धि, जड़धि कहा गया ना, जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि यानी मूर्ख व्यक्ति भी ममो अप्लवम मीन्स ज्ञान प्राप्त कर लेता, किसका, शास्त्र का, ध्येयम ध्यान देने के, काव्य हेतु जायते जातु, और काव्य की रचना काव्य के कारण को जानकर काव्य के कारणों के आधार पर कोई प्रतिभावान व्यक्ति ही कर पाता है, किसने कहा, आचार्य भामा ने कहा, किसके अनुसार बेटा, आचार्य भामा के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं हम,
अब हम आगे चलते हैं। आचार्य दंडी ने अपनी रचना में क्या कहा है, आइए देखते हैं। भामा इसको उतार लीजिएगा अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आचार्य दंडी आचार्य भामा का काव्य अलंकार, आचार्य दंडी की रचना काव्य आदर्श है। आचार्य दंडी आचार्य दंडी की रचना कौन सी है, काव्य आदर्श। काव्य अलंकार भामा और काव्य आदर्श दंडी, काव्य आदर्श ठीक है। किसकी रचना है, दंडी की, याद रखिएगा। काव्य आदर्श किसकी रचना है, तो ये रचना किसकी है, दंडी की है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा नैसर्गिक प्रतिभा श्रुतम बहु निर्मलम, श्रुतम बहु निर्मलम। क्या कहा कि नैसर्गिक चा प्रतिभा, नैसर्गिक यानी अपने आप, नैसर्गिक जन्म जात, जो जन्म से प्रतिभा मिली हो, नैसर्गिक। श्रुतम बहु निर्मलम, वह क्या स्वतः ही निर्मल होती है, क्या होती है, स्वतः श्रुतम बहु निर्मला, वह निर्मल होती है। आनंद आश्चर्य वियोग, आनंद आश्चर्य वियोग अस्य कारणं काव्य संपदा। किसने कहा, आचार्य दंडी ने कहा। किसने कहा, काव्यादर्श में कहा आचार्य दंडी ने अपनी रचना काव्यादर्श में कहा। नैसर्गिक चा प्रतिभा श्रुतम बहु निर्मलम, आनंद से वियोगो अस्य कारणं काव्य संपदा। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा अब कहा नैसर्गिक, देखिए इसके आप को जान लीजिए, आपके एक लाइन दो लाइन लिख सकते हैं कि जो जन्मजात प्रतिभा होती है वह स्वतः ही क्या होता है, निर्मल होता है। वह स्वतः ही निर्मल होती है, यानी उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, जो जन्म से ही मिला है वो क्या है, स्वतः ही निर्मल होती है। और अभ्यास से बढ़ा चढ़ाकर, और जितना अभ्यास किया जाए और बढ़ चढ़कर जितना अभ्यास किया जाए उतना ही काव्य रूपी संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। किसने कहा, आचार्य दंडी, किसके अनुसार, आचार्य दंडी ने कहा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे करते हैं। इतना हो गया, भामा ने कहा, आचार्य दंडी ने कहा, अब हम चलते हैं इसके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। जैसे आपने शुरू में बताया था कि काव्य के मुख्य रूप से कितने हेतु होते हैं, कारण होते हैं, तो तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं फिर से एक बार पुनः। तो कह सकते हैं कि उपर्युक्त विचारों से निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं
उपरोक्त विचारों से यानी जितने कभी हैं उनके विचारों से हम निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि जो काव्य हेतु है क्या है, काव्य हेतु, काव्य हेतु मुख्य रूप से, मुख्य रूप से कितने होते हैं, तीन होते हैं, मुख्य रूप से कितने होते हैं, तीन होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से होते हैं आपने देखा, लेकिन पुनः एक बार लिख लीजिएगा, कौन सा प्रतिभा सबसे पहले क्या है बताइए आप, प्रतिभा, प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, और तीसरा क्या हो जाएगा, प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास, प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो आइए हम एक एक के विषय में जानते हैं कि प्रतिभा क्या, व्युत्पत्ति क्या है और अभ्यास क्या है। तो आइए प्रतिभा के विषय में हम जानते हैं कि प्रतिभा क्या है। ठीक है, तो प्रतिभा यहाँ से टॉपिक शुरू करते हैं, टॉपिक यहाँ हम ले लीजिए, तो उपरोक्त विचारों से निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं, काव्य हेतु कह सकते हैं कि, कह सकते हैं कि काव्य हेतु मुख्य रूप से तीन होते हैं, नंबर एक प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आइए देखते हैं कि प्रतिभा क्या है, चलिए आज टॉपिक देखते हैं एक कि प्रतिभा क्या है। प्रतिभा, अब प्रतिभा के विषय में हम लोग जानते हैं कि प्रतिभा काव्य की प्रतिभा क्या है। आप सीधे सीधे कह सकते हैं काव्य प्रतिभा वह शक्ति है, क्या है, प्रतिभा वह शक्ति है, वह शक्ति है, प्रतिभा वह शक्ति है जो काव्य की रचना करने, काव्य, काव्य रचना करने में जो जो काव्य रचना, जो काव्य रचना करने में सामर्थ्य बनाती है, शक्ति सामर्थ्यवान, सामर्थ्यवान क्या बनाती है, सामर्थ्यवान, सामर्थ्यवान बनाती है, यानी कि ये जो प्रतिभा है वह शक्ति है जो काव्य रचना करने में सामर्थ्यवान बनाती है। आइए अलग अलग देखते हैं किसका कौन सा विचार है, किसने, सबसे पहले राजशेखर, राजशेखर के शब्दों, किसके अनुसार, राजशेखर, राजशेखर के शब्दों में इन्होंने कहा कि सा शक्ति, इन्होंने आगे कहा, राजशेखर ने सा शक्ति केवल काव्य हेतु, सा शक्ति केवल काव्य हेतु, केवल काव्य हेतु, सा शक्ति केवल काव्य हेतु, किसने कहा, राजशेखर ने कहा कि वह शक्ति केवल काव्य के कारण में है, काव्य हेतु में है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं, हेमचंद ने कहा, किसके अनुसार है, आगे है आपका हेमचंद के अनुसार, किसके, हेमचंद के अनुसार, दूसरा हेमचंद, हेमचंद के शब्दों में, शब्दों में हेमचंद ने क्या कहा कि प्रतिभा, इन्होंने कहा हेमचंद ने कि प्रतिभा वह प्रज्ञा है जो नित्य नवीन रस अनुकूल विचार उत्पन्न करती है, वह प्रज्ञा है, इन्होंने कहा कि प्रतिभा, प्रतिभा वह प्रज्ञा है, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि होती है, प्रज्ञा मीन्स क्या होती है, बुद्धि, ठीक है, बुद्धि, नहीं आप समझे क्या है, प्रतिभा वह प्रज्ञा है, हेमचंद के शब्दों में प्रतिभा वह प्रज्ञा है जो नित्य नवीन रसानुभूति कराती है, रसानुभूति कराती है, कराती है, किसने कहा, देखिए प्रतिभा वह शक्ति है जो काव्य रचना करने में सामर्थ्यवान बनाती है, और किसके साथ, राजशेखर ने कहा सा विद्या केवल काव्य हेतु, वह विद्या केवल काव्य के कारण में है, हेमचंद के शब्दों में प्रतिभा वह प्रज्ञा बुद्धि है जो नित्य नवीन रसानुभूति कराती है, नित्य नवीन क्या कराती है, रसानुभूति कराती है, या फिर रसानुभूति कराती है, नवीन रस अनुकूल विचार उत्पन्न करती है, यहाँ आगे बढ़ा सकते हैं, रस अनुकूल, रस अनुकूल या फिर रस युक्त कर सकते हैं, रस युक्त
नवीन विचार, नवीन विचार विचार उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। यहाँ तक हो गया, आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अनुसार आचार्य वामन के अनुसार, आचार्य वामन के शब्दों में, आचार्य आचार्य वामन, आचार्य वामन ने क्या कहा, आइए हम देखते हैं। इन्होंने सीधे कहा कि प्रतिभा जन जात संस्कार है। इन्होंने क्या कहा कि प्रतिभा प्रति प्रतिभा जन्म जात संस्कार है। प्रतिभा क्या जन्म जात संस्कार है, संस्कार है, प्रतिभा जन्म जात संस्कार है, जिसके बिना काव्य की रचना नहीं हो सकती है, जिसके बिना जिसके बिना काव्य रचना करना, काव्य रचना करना संभव नहीं है, संभव नहीं नहीं है। अब किसके आचार्य वामन ने सीधे कह दिया कि प्रतिभा जन्मजात संस्कार है, जो जन्म से ही बच्चे को मिला होता है, कभी को मिला होता है, जन्म से बच्चे को मिला होता है, जिससे वो क्या करते हैं, कभी लाइन में आगे बढ़ते हैं, कभी बनते हैं, जिसके बिना काव्य रचना करना संभव नहीं है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इतना हो गया, आइए तो चलिए हम देखते हैं आचार्य मम्मट ने क्या कहा। आचार्य मम्मट प्रतिभा के विषय में, नहीं प्रतिभा पढ़ रहे हैं ना, प्रतिभा, अब प्रतिभा के विषय पहला था ना, इसके विषय में आचार्य मम्मट ने क्या कहा, आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट ने क्या कहा, ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य मम्मट ने कहा, इन्होंने प्रतिभा को नवीन नाम शक्ति दिया, इन्होंने प्रतिभा को नवीन नाम क्या दिया, इन्होंने काव्य का बीज, नवीन नाम शक्ति देकर, नवीन नाम क्या दिया, शक्ति, नवीन नाम क्या दे दिया इन्होंने, शक्ति देकर क्या किया, काव्य का बीज स्वीकार किया, काव्य का बीज स्वीकार किया, काव्य का क्या किया, बीज स्वीकार किया, स्वीकार किया, किसने, ये किसके अनुसार है, आचार्य मम्मट के अनुसार, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आचार्यों के अनुसार काव्य के प्रतिभा के क्या लक्षण है, आचार्यों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार प्रतिभा के लक्षण, प्रतिभा के लक्षण या गुण, ठीक है, या हम कह सकते हैं गुण, प्रतिभा के लक्षण या गुण, आइए देखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, नंबर एक निम्नलिखित गुण है, निम्नलिखित कर सकते हैं, तो नंबर से पहला ही कह सकते हैं प्रतिभा एक काव्य का मूल है। नंबर एक, प्रतिभा प्रतिभा काव्य का मूल, यानी हेतु, ठीक है, काव्य का मूल हेतु है, यानी कारण है, मूल है, ठीक, किसी ने मूल हेतु है, इसमें दस लेंगे सीधे सीधे आप कहेंगे मूल हेतु है, यानी जो मुख्य है, हेतु कारण है, यानी प्रतिभा का। दूसरा आप कहेंगे यह ईश्वर प्रदत्त शक्ति, जैसे हमने कहा कि जन्म प्रतिभा क्या होती है, हमेशा बच्चे को जन्म से ही मिली होती है, तो यह क्या है, यह प्रतिभा क्या है, यह ईश्वर प्रदत्त है, कह सकते हैं ईश्वर प्रदत्त है, या ईश्वर प्रदत्त है, या फिर कह सकते हैं कि यह जन्म से ही मिली होती है, यह जन्म से, या जन्म से मिली होती है, मिली होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है कि यह एक नौ में शालिनी प्रज्ञा है, यह एक नौ 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 उन्मेषशाल क्या है, नौ नौ उन्मेषशाली, नौ उन्मेष शालिनी, सॉरी बच्चों लाइट चली गई है, अभी क्लास में बाद में लूंगी, धन्यवाद।